हेलो, वेलकम टू माय चैनल शताब्दीज ग्रीन लाइफ। स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया, मदर इन लो, टंग प्लांट, ये सारे इस प्लांट के नाम हैं। इसके 70 वेराइटीज़ है, जिसमें से कुछ ही मेरे पास है। ये बहुत ही ऑक्सीजन रिच प्लांट है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो आज मैं इस प्लांट के एस्पेक्ट्स कुछ बात करूँगी। इसको बेडरूम प्लांट भी बोलते हैं, बट आज मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। कुछ और दिन ये बेडरूम प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ सोयल से। तो इसके सोयल 1/3 गार्डन सोयल, 1/3 कॉम्पोस्ट एंड 1/3 रिवर्सेंट होना चाहिए। रिवर्सेंट होना चाहिए क्योंकि ये रिवर्सेंट होने से इसके ड्रेनेज बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये सकुलेंट वेराइटीज़ का है तो इसके ड्रेनेज बहुत अच्छे होना चाहिए। इसके ड्रेनेज अच्छे ना होने से इसके रूट रोट हो जाते हैं और पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसके प्रॉपर सोयल इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। इसको हफ्ते में या 10 या 15 दिन में एक बार ही पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। आप इसमें पानी देते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप पानी देते हो पत्ती के ऊपर आप पानी मत देना, साइड में से आप पानी देना, क्योंकि पत्ती में पानी देने से इसके पत्ते गल जाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है, सकुलेंट प्लांट के पत्तों में पानी देने से पत्ते गल जाते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखना और ओवर वाटरिंग मत करना प्लीज़। वाटरिंग करने से इसके रूट्स गल जाते हैं। तो ये गया वाटरिंग के बाद। तो अब लाइट के बारे में बात करती हूँ। ये लो लाइट प्लांट है, लेकिन इसके ग्रो के लिए आप इनडायरेक्ट सनलाइट पर रखो तो अच्छा है, क्योंकि इसके ग्रोइंग टाइम समर में होते हैं। तो उस टाइम में आप इनडायरेक्ट सनलाइट पर रखो तो इसके ग्रो बहुत ही अच्छे से होते हैं। मेरे सारे जो भी प्लांट मैंने प्रोपोगेशन किए हैं, ये समर के टाइम में ही किए हैं, क्योंकि ये समर के टाइम में बेबी प्लांट होते हैं। अभी मेरे पास है, देखिए, इसमें से एक बेबी प्लांट है मेरे पास। ये कुछ दिनों बाद मैं शिफ्ट करूँगी। तो ये लो लाइट प्लांट है, लेकिन आप ग्रो के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट पर रखो तो अच्छा है। तो बात करते हैं प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन आप इसके रूट्स डिवाइड करके आप सोयल में लगा के भी कर सकते हो, और लीफ डिवाइड करके आप पानी में रख के भी इसके ग्रोइंग कर सकते हो। नीचे से इसके आ जाएंगे प्लांट। आप 15 या 20 डेज बाद ही आप देखने शुरू कर लोगे। तो गया प्रोपोगेशन, और अब बोलती हूँ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इस प्लांट को ज़्यादा नहीं चाहिए। फर्टिलाइज़र ये प्लांट ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आप साल में एक बार ही फर्टिलाइज़ करो, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। और गमला आप इसके लिए छोटे से गमले ही यूज़ करो, बड़े गमले इस प्लांट को पसंद नहीं है। छोटे गमले में इसकी ग्रो बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े गमले हो तो पानी नीचे से ठहर जाते हैं, तो इसके रूट्स गलने की बहुत ही रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए आप गमला छोटा ही रखो, और जब देखो कि पूरा गमला भर गया बेबी प्लांट से और जगह भी नहीं है, आप इसको तब शिफ्ट कर सकते हो। अब बोलती हो इस प्लांट के प्रॉब्लम्स के बारे में। ये प्लांट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते हैं एक प्रॉब्लम के सिवा, रूट रोट्स। ये रूट रोट्स होते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है। अब बहुत ही कम इसको पानी दो, मैंने पहले भी वाटरिंग में बताई हो। तो ये इसमें आप 10 या 15 डेज में एक बार पानी दो तो भी चल जाते हैं, क्योंकि इस पत्ती में पानी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। देखिए मेरे प्लांट की लीफ बहुत ही कड़क है, तो ये बहुत ही हेल्दी है।
आप जब भी देखो कि आपके प्लान लैंकी होके नीचे गिर जाते हैं, तब आप समझ लेना कि आपके प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट है। तो इस प्लांट में कोई भी इंसेक्ट वगैरह की अटैक नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। आप इस प्लांट को अच्छे से केयर करोगे तो ये आपके साथ 15 से 25 साल तक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो आप इस प्लांट का अच्छे से केयर करो और इसके साथ बने रहो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।